डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। ये सिंगल वर्ड कनेक्टर होते हैं, इजी फैन वाइज, बहुत इजी पे है, हम याद कर सकते हैं फैन वाइज। एफ एफ फॉर फॉर, ए एन एन नॉर, बी बट, ओ और बाई, येट एस सो। तो इनके मीनिंग देख लें। फॉर का जब प्रयोग हम कनेक्टर रूप में करते हैं कंजक्शन रूप में, तो उसका अर्थ होता है क्योंकि या चूंकि, एंड और नॉर करना, बट का लेकिन, और या, येट फिर भी, और सो इसलिए। अब किस प्रकार से दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं देखते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल दिया गया सिंपल सेंटेंस का, She tried hard to explain. He simply refused to listen. अब सेंटेंस को मीनिंग निकाल लेते हैं कि उसने एक्सप्लेन करने का बहुत प्रयास किया, He simply refused, लेकिन उसने सुनने से मना कर दिया। तो अपने आप जब मैंने इन दोनों का अर्थ निकाला तो लेकिन शब्द आ गया, तो बट बीच में मैंने जोड़कर इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें सिंपल सेंटेंस का, ही गेव हर रीजन, सी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, तो अब देखिए ही, उसने अपने तर्क दिए, शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वह बहुत समझ भी रही थी, है, और जैसे किसी ने तर्क दिया और, तो मीनिंग अपने आप और का आ गया, तो मैंने यहाँ पर एंड लगाकर इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया और ये दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र भी हैं। और ये हम जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस अपने आप का स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होते हैं। एक और एग्जाम्पल समझें दूसरे उसका, द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग, ही वॉज नॉट, ही कुड नॉट हियर द म्यूजिक। तो द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग, क्राउड चीख रही थी और हम म्यूजिक को सुन नहीं सके। तो इसका मतलब ये दिखा रहा कि कारण दिखा रहा कि हम म्यूजिक को क्यों नहीं सुन सके। तो द क्राउड वॉज स्क्रीमिंग, सो वी कुड नॉट हियर द म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी अप, यू विल मिस द बस। तो अब देखिए, हरी अप, शीघ्रता करो, आप बस को मिस कर देंगे। तो अगर ये फैन वाइज आपको अगर याद हैं ये सारे, तो अगर होते तो इससे भी अधिक है, लेकिन बस शॉर्ट में मैंने ये फैन वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनका प्रयोग करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हरी अप, यू विल मिस द बस। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हमने और से कनेक्ट करके इन सेंटेंस को जोड़ दिया। और इसके बाद वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।